दोस्तों, स्टार प्लस का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सीरियल, आप सभी का फेवरेट ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल के पहले सीजन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें हीना खान नजर आई थी, जिन्होंने अक्षरा का सीधा साधा किरदार इतनी बखूबी से पर्दे पर उतारा था कि सभी के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी और अक्षरा और नैतिक की जोड़ी काफी पसंद भी की गई थी। लेकिन सीरियल में लीप आने के बाद कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों ने शो को छोड़ दिया और नायरा और कार्तिक ने शो को आगे बढ़ाया और फिर से लीप आने के बाद अक्षु और अभिमन्यु की जोड़ी इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे इसकी कहानी अभी तक भी चल रही है। हीना खान को शो छोड़े काफी साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों में हीना खान रियल लाइफ में पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। जहाँ पहले ये सीरियल में अक्षरा के मासूम रोल में नजर आई, वहीं अब ये पहले से काफी बदल चुकी हैं, और जो कि आप इन फोटोज में देख सकते हैं। वहीं इनके रियल लाइफ की बात करें तो हीना खान अभी तक 12 टीवी शोज और साथ ही में 9 म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बात बिग बॉस सीरियल में भी नजर आई। हीना खान अब 35 साल की हो चुकी हैं और अभी तक अनमैरिड हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये रॉकी जायसवाल के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर हैं, और यह दोनों जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।